दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि इस जो चैप्टर आज हम आपको देने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ये चैप्टर, मतलब ये लेक्चर हमें और आपको पहले देना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश हम इस लेक्चर को रोके रहे, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी तरह से एक आपको बहुत ही शानदार लेक्चर आपको दें। हालांकि इस ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से आपके हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चंस फंसते हैं, तो हम आपको आज बताएंगे नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, हम बिना समय गवाए फिर से शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है, यहां हमने लिख रखा है कि देखिए, संख्या किसे कहेंगे, संख्यांक किसे कहते हैं, और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती परिमेय, और बहुत सी अभी हमने लिखा है उसी पे आज हम आपको बताएंगे। एक या दो नंबर के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में फंसते हैं। अच्छा दोस्तों, बात आती है कि हम संख्या किसे कहेंगे। ठीक, संख्या किसे कहेंगे, यदि अगर आप संख्या नहीं जानते हैं किसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको नंबर सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, बात आती है कि संख्या मीन्स नंबर किसे कहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नंबर हमारी वे होते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने मार्कर ले रखा है। ठीक, आप कहेंगे कि ये कितने मार्कर हैं, हम कहेंगे ये दो मार्कर हैं, तो यही आप कहेंगे कि कितने वस्तुओं का बोध होता है, मींस कितने वस्तुओं का बोध होता है, उसी को हम संख्या कहते हैं। कितने वस्तुओं का, देखिए एक चीज और हम आपको बताएंगे, हम यहां परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप परिभाषा लिखते हुए चलेंगे, हम एक एक की परिभाषा सीरियल वाइज आपको बताते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी परिभाषा लिखेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा, और हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम आपका समय लें, हम आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए, आप लिखेंगे कि संख्या हम किसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे कितनी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। मीन्स आपके मन में यह आ रहा होगा कि कैसे, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ये हमारा 25 है, 25, 26 और 27, ये हमारे नंबर हैं। ठीक, नंबर ये हमारे हैं, तो हमने आपसे कहा कि कितनी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं, कितनी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक, ये आप समझ रहे हैं, तो यही हम आपको बता रहे हैं कि भैया मेरे, यहां आप देख रहे हैं कि ये 25 लिखा हुआ है, ये 25 का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अभी हमारे पास अगर 25 मार्कर होते तो 25 संख्याओं का बोध होता कि नहीं होता, तो हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि कितनी वस्तुओं का बोध हो रहा है वही हमारी संख्या है। अब आप इसे समझ गए। चलिए, अब हम बात करते हैं संख्यांक किसे कहेंगे। दोस्तों, संख्यांक को भी हम नंबर से ही डिनोट करते हैं, तो संख्यांक मीन्स नंबर फिर किसे कहेंगे। ठीक, ये भी बात आती है, जैसे आपने संख्या पढ़ा, फिर उसके बाद सीरियल वाइज अगर हम चल रहे हैं तो संख्या के बाद हमारा संख्यांक का नंबर आता है। ठीक, तो चलिए, संख्यांक हमारी वे संख्याएं होती हैं। ठीक, संख्यांक को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, संख्यांक को आप परिभाषा लिखेंगे, संख्यांक को हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक, अर्थात एक परिभाषा और लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अर्थात संख्या के अर्थ को, संख्यांक के अर्थ को हम संख्या कहेंगे। अब बात आती है, सर कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे हमने 25, 26, 27 लिखा हुआ है, ठीक, 25, 26, 27 लिखा हुआ है, तो हमने आपको संख्यांक की परिभाषा बताया कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसी को हम संख्यांक कहते हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो क्या ये हमारा 25 तो एक संख्यांक नहीं हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, हम बार बार वही आपसे कह रहे हैं कि संख्यांक को जिन संकेतों द्वारा, तो भैया मेरे, क्या ये 25 हमारा संकेत नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यही हमारा संख्यांक होता है। परिभाषा एक बार आप फिर से सुनेंगे, संख्यांक को हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं, अर्थात संख्यांक का अर्थ होता है, संख्यांक का अर्थ होता है कि संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, वही हमारा संख्यांक है। आप जैसे के रूप में
लिख लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 या 25, 26, 27, 10, 20, 30 कुछ भी आप लिख लेंगे, यही हमारा संख्यांक है। अच्छा, इतना आप समझ गए। देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप एक कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दें, ठीक। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम परिभाषा सहित आपको बताएं तो भी आप कमेंट करेंगे, हम फिर से इस लेक्चर को बनाएंगे, फिर से इस जो इसे अच्छी तरह से और हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे परिभाषा सहित, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। चलिए, अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर हम किसे कहेंगे। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर हम किसे कहेंगे, अभी तक तो ये आपका बहुत ही बेसिक था, लेकिन अब यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। हमने संख्या और संख्यांक को क्यों बताया, क्योंकि ये हमारा एकदम बेसिक था। अगर आप संख्या नहीं जानेंगे, संख्यांक नहीं जानेंगे, तो जाहिर सी बात है आप प्राकृतिक संख्या उसके नीचे जो भी आएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो चलिए, अब बात आती है कि हम नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, मीन्स प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो दोस्तों, आप लिखेंगे कि गिनती की संख्या को, आप गिनती की संख्या को जानते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, कि आपको उसमें शून्य नहीं लेना है। जैसे अगर आप यहां लिखें कि 0, 1, 2, 3, तो आप हम क्या कह रहे हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो भैया मेरे, हमने कहा कि लेकिन कंडीशन क्या है, आपको शून्य नहीं लेना है। अगर आप शून्य लेते हैं तो क्या होगा, इसकी चर्चा अभी हम अपने लेक्चर में आगे करते हैं, ठीक। तो आप परिभाषा लिखेंगे, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर कहते हैं। एक, जैसे 1, 2, 3, 4, यही हमारा नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या है, ठीक। चलिए, अब बात आती है हम जीरो क्यों नहीं लेंगे, जीरो की चर्चा अभी हम आगे करेंगे, आपको बताएंगे अच्छी तरह से जीरो क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सर हम पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे। हमने यहां लिखा है पूर्ववर्ती संख्या मीन्स प्रीसीडिंग नंबर हम किसे कहेंगे, ठीक। चलिए, हम बताते हैं आपको कि पूर्ववर्ती संख्या हमारी क्या होती है। जैसे इसके जो है, इसके अर्थ से आप समझ रहे होंगे कि पूर्ववर्ती संख्या हमारी क्या होती है। मीन्स आप समझिएगा कि भैया मेरे, पूर्ववर्ती संख्या मीन्स पहले की संख्या होती है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई संख्या दी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके पहले वाली डिजिट को आपको लिख देना है। तो आप परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या को, पूर्ववर्ती संख्या अर्थात पहले की संख्या। परिभाषा आप लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या अर्थात पहले की संख्या, मीन्स आपको इसमें से एक माइनस करना है, एक माइनस सिर्फ करना है, यही आपको करना है। आपको प्रीसीडिंग नंबर यानी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर हम कहें कि 25 की पूर्ववर्ती संख्या आप बताइए, 25 की पूर्ववर्ती संख्या आप बताइए, तो भैया मेरे, हमने कहा आपसे कि आपको सिर्फ एक इसमें से माइनस करना है, तो आप यहां एक माइनस कर देंगे, आपका नंबर निकल कर आएगा 24 और हमारे 25 की प्रीसीडिंग यानी पूर्ववर्ती संख्या हमारी 24 होगी। इसे आप अच्छी तरह से समझ गए। अच्छा, एक इसमें एक एग्जांपल अगर हम और बताते हैं, जैसे अगर हम बात करें आपसे कि 219 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 219 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर इसमें से आप एक को माइनस कर दीजिए, इसके पहले जो संख्या आती है वही हमारी प्रीसीडिंग नंबर होगी, ठीक। अब इसे आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए, अब हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्या की, मीन्स अनुवर्ती संख्या सबसिक्वेंट नंबर अनुवर्ती संख्या हमारी होती है। यदि अगर आप पूर्ववर्ती समझ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अनुवर्ती को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, अनुवर्ती संख्या को हम एक नाम और देते हैं, आप इसे लिखेंगे उत्तरवर्ती संख्या। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 5 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आप तो पढ़े रहते हैं कि अनुवर्ती संख्या, जब आप उत्तरवर्ती देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, बहुत अच्छे से और एकदम सरल ढंग से हम बता रहे हैं आपको, ठीक। लेकिन भैया मेरे, आपको एक काम करना है, आप
इस मेरे वीडियो को प्लीज आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? यदि अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। तो आप लेकिन वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, समझ में 100% आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक ना। चलिए अब बात आती है कि अनुवर्ती संख्या मींस सब सिक्वेंट नंबर हम किसे कहेंगे। तो आप कहेंगे कि अगर हम पूर्ववर्ती संख्या में माइनस एक कर रहे थे तो जाहिर सी बात है अनुवर्ती संख्या में हम प्लस एक करेंगे, ठीक। अनुवर्ती संख्या में हम प्लस एक करेंगे, यही हमारे अनुवर्ती संख्या में सब सिक्वेंट नंबर यही होगा। जैसे अगर हम बात करें 25 की अनुवर्ती संख्या, 25 की अनुवर्ती संख्या, तो हमने कहा है आपसे कि आप इसमें एक को जोड़ देंगे, यही हमारा 26 अनुवर्ती संख्या मींस सब सिक्वेंट नंबर यही हमारा होगा। अच्छा एक बात और आती है कि अब हम फिर देखिए यहां 219 का एग्जाम्पल लेते, फिर हम उसी को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि 219 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, यही हमारी जो 220 निकल कर आएगी, यही हमारी अनुवर्ती संख्या मींस सब सिक्वेंट नंबर यही हमारा होगा। अच्छा अब अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो ये किसी संख्या में, परिभाषा आप लिखेंगे कि किसी संख्या में अगर हम एक को जोड़ देते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या हमारी अनुवर्ती संख्या मींस उत्तरवर्ती संख्या होती है। इसे आप समझ गए। अब बात आती है परिमेय संख्या मींस रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, ठीक। परिमेय संख्या मींस रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। चलिए देखिए अब इसमें से ये जो परिमेय संख्या हम आपको बता रहे हैं, इसमें ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है, जरूर आता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए आप सुनेंगे प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे मींस रेशनल नंबर, कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें। परिभाषा आप लिखेंगे, देखिए हम एक से दो बार क्यों आपको बता रहे हैं, आप जितनी बार सुनेंगे आपके दिमाग में उतनी बार गूंजेगा और आपको उतनी ही जल्दी याद होगा, इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं परिभाषा को। चलिए देखिए जिन्हें हम परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर हमारी वे संख्याएं होती हैं कि जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, मतलब लेकिन वहां एक कंडीशन होगी, P is not proportional to zero, Q is not proportional to zero, लेकिन आपका जो Q होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब कैसे, हमने कहा आपसे कि P by Q, यहां देखिए हमने कहा कि P by Q के रूप में हम जिन संख्याओं को व्यक्त करते हैं वही हमारा रेशनल नंबर होता है, लेकिन Q is not proportional to zero, इसका मतलब क्या होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भैया मेरे इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा Q दिया हुआ है, इस Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भिन्न को आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2/0 हम लिख सॉरी 2/0 अगर हम इस भिन्न को लिखे हुए हैं, तो इस भिन्न में इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि इसका मान सिर्फ 2 है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, हर में आप कितना भी जीरो लगाएं उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके पहले एक लगा देते हैं, इसके पहले एक, तो इस भिन्न का बहुत ही बड़ा मतलब निकलता है। हालांकि इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, इस भिन्न वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन आप इतना समझेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P by Q के रूप में व्यक्त कर सकें वही हमारी रेशनल नंबर होती हैं, और Q is not proportional to zero होना चाहिए। जैसे अब बात आती है जैसे कौन सी संख्या होंगे, तो भैया मेरे आप लिखेंगे, जैसे आप कोई भी संख्या लीजिए 22/7 क्या होता है, ये हमारे पाई का मान है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर परिमेय संख्या, जैसे यहाँ परिमेय संख्या आपको क्वेश्चन के रूप में दे देगा और वहां 22/7 भी देगा और आपके एग्जाम्पल में पाई का मान पाई भी देगा, तो आप इसी से कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या दे दिया, पाई भी दिया है, पाई का मान भी दिया है। तो भैया मेरे हमने कहा है आपसे कि अगर कोई भी संख्या दी जा रही है लेकिन वह बटे के रूप में होनी चाहिए, वही हमारी परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर होती है। इसे आप समझ गए, ठीक। चलिए अब बात आती है कि इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। अगर आप परिमेय संख्या को समझ गए तो जाहिर
जाहिर सी बात है आप अपरिमेय संख्या को समझ गए होंगे। कैसे, अगर आप नहीं समझे हैं तो चलिए हम बताते हैं कि हमने कहा आपसे परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में आपको व्यक्त करने के लिए हमने कहा है, लेकिन अब हम अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, मीन्स रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में न व्यक्त कर सके वही हमारी इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, जैसे अब बात आती है सर उसे हम क्या कहेंगे, तो आप लिखेंगे, हमने अभी पाई की चर्चा किया था, ठीक, यहां आप लिखेंगे पाई का मान, आप सीधे लिख लेंगे ये पाई है, आप पाई जानते होंगे, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 सॉरी क्षमा चाहते हैं, हाँ 22 होना चाहिए, हमने 27 लिखा था, कोई बात नहीं 27/7 भी हो सकता है, उसे भी आप एक एग्जांपल के रूप में लिखेंगे, बट हम 22 की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हमने कहा आपसे कि 22/7 जो हमारा होगा वो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ पाई पूछा जा रहा है तो भैया मेरे ये अपरिमेय संख्या मीन्स इरेशनल नंबर होता है। अब बात आती है सर कोई एग्जांपल और बताइए, तो हमने कहा आपसे आप यहां एक्स लिख दीजिए, एक्स का मान आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और आती है, हमने एक एग्जांपल और आपको बताया कि यहां आप लिख दीजिए √2, √2 भी एक एग्जाम्पल के रूप में होता है। तो चलिए अब ये तो आपका समाप्त हुआ। ठीक, अब बात आती है कि सम संख्या हम किसे कहते हैं। ठीक, सम संख्या मीन्स इवन नंबर हम किसे कहते हैं, तो चलिए ये आपके स्क्रीन पर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने कहा था कि आपको सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, सम संख्या मीन्स इवन नंबर हम किसे कहेंगे, बात आती है ये इतना बेसिक है कि आप इसे जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि हम सम संख्या किसे कहेंगे। दोस्तों आप सम संख्या मीन्स इवन नंबर को ये जानिए कि अगर कोई भी संख्या आप ले रहे हैं अगर वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है तो वही हमारी सम संख्या मीन्स इवन नंबर होती है। ठीक, आप समझ गए। अब बात आती है कि जैसे हम सम संख्या किसे कहेंगे, हमारी सम संख्या है, जैसे आप लिखेंगे यहां 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप इसे अनवरत लिखते हुए चले जाएंगे वहां तक जहां तक की संख्याएं आती हैं, जो लेकिन उसमें 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होनी चाहिए, वही हमारी सम संख्या होती है मीन्स इवन नंबर होती हैं। ठीक, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप परिभाषा लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से पूरी तरह विभाजित कर सकें वही हमारी सम संख्याएं होती हैं। अच्छा, इतना आप समझ गए। अब बात आती है विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर हम किसे कहेंगे। ठीक, विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर हम किसे कहेंगे, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सम संख्या को समझ गए हैं तो विषम संख्याएं उसी का उल्टा आप कर दीजिए, वही हमारी विषम संख्याएं होती हैं। आप परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसे हम 2 से विभाजित न कर सके, 2 से कभी न कटे, वही हमारी विषम संख्याएं होती हैं मीन्स ऑड नंबर होती हैं। अब बात आती है, जैसे आप यहां लिखेंगे कि 5, 3, 7, 9, 11, आप लिखते हुए चले जाएंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी संख्या 2 से कटने नहीं चाहिए, अदरवाइज संख्याएं कौन सी किससे कट रही हैं उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2 से ना कटे। ठीक, वही हमारी विषम संख्याएं हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आरोही क्रम मीन्स एसेंडिंग ऑर्डर हम किसे कहेंगे। ठीक, आरोही क्रम मीन्स एसेंडिंग ऑर्डर हम किसे कहेंगे, तो हम आपको बताना चाहेंगे भैया मेरे ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप जब हल करते हैं माध्यमाधिका उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है एसेंडिंग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने के लिए आता है, तभी आपका माध्य या माध्यिका निकलती है। ठीक, लेकिन आप नंबर सिस्टम में सबसे पहले समझिए, जब माध्य माध्यिका की बात आएगी तो हम वहां चर्चा करेंगे। आप आरोही क्रम किसे कहेंगे मीन्स एसेंडिंग ऑर्डर हम किसे कहेंगे। अच्छा, आप समझिएगा, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम, यहां आप लिख लेंगे बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम।
बढ़ते हुए क्रम। दोस्तों एक बात हमें आप बताइए, अगर आप अपने, देखिए छत सबके पास होगा ठीक, आप अपनी छत पर जब चढ़ते हैं तो क्या एक सीढ़ी चढ़ने के बाद लास्ट में चढ़ जाते हैं? कभी ऐसा नहीं करते। एसेंडिंग ऑर्डर हमारा वही होता है कि आप एक सीढ़ी चढ़े, उसके बाद फिर दूसरी पर जाएंगे, फिर तीसरी पर जाएंगे, लास्ट जाते 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 आप अपने छत पर चढ़ जाते हैं ठीक। वही हमारा एसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम होता है ठीक, आप समझ गए। अब बात आती है कि जैसे जैसे आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं हैं, आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो यही हम कह रहे हैं आपसे कि आप क्रम बाई क्रम चलेंगे, वही हमारा आरोही क्रम होता है ठीक, इसे आप समझ गए। अब बात आती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम हम किसे कहेंगे? अगर आप आरोही क्रम को समझ गए हैं तो जाहिर सी बात है आप अवरोही क्रम को समझ जाएंगे ठीक। चलिए हम बताते हैं आपको कि अवरोही क्रम हम किसे कहेंगे। आप छत पर चढ़ गए हैं ठीक भैया, आप छत पर चढ़ गए हैं, क्या छत से सीधे नीचे कूद जाएंगे? कभी नहीं करेंगे, कूदेंगे तो हाथ पैर सब कुछ टूट जाएगा ठीक। आप क्या करेंगे कि आप जब चढ़ गए छत पर तो आप पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, लास्ट में एकदम नीचे आप चले आएंगे ठीक। वही हमारा मीन्स आपको नीचे उतरना है, आपको ऊपर नहीं जाना है, वही हमारा अवरोही क्रम होता है। जैसे आपने 1, 2, 3, 4 लिखा है, आप यहां लिख लीजिए घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम आप लिख लीजिए। आप यहां लिखेंगे 4, 3, 2, 1 डॉट, इसकी बात कुछ ही नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे, बस इसके आगे होना चाहिए। मीन्स इसमें आप समझेंगे कि सबसे पहले आपको बड़ी वाली संख्या लिखना है, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी करते हुए आप लास्ट एक तक चले आएंगे। वही हमारा अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर हम किसे कहेंगे ठीक। अभी अभी हमने कहा था कि प्राकृतिक संख्या भी बताया था, हमने कहा था कि आपसे जीरो की चर्चा भी करते हैं। अब बात आ गई है यहां जीरो की। आप प्राकृतिक संख्या क्या लिखे थे कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन उसमें हमने कहा था कंडीशन यह है कि आपको जीरो नहीं लेना था, यहां पर होल नंबर में आपको जीरो से लेकर चलना है। मीन्स पूर्ण संख्या में आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनवरत लेके चलना है। अगर आप इसमें जो है जीरो छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, वो सीधे प्राकृतिक संख्या में मीन्स नेचुरल नंबर में पहुंच जाएगा। इसमें आप परिभाषा क्या लिखेंगे भाई, परिभाषा तो बात आती है, आप क्या लिखेंगे भैया मेरे, आप लिखेंगे कि जीरो को भी प्राकृतिक संख्या के साथ ठीक, लिखिए जीरो को भी हम प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं ठीक। जो प्राप्त संख्या होती है, जो प्राप्त संख्या होती है वही हमारी पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर होती है। अब बात आती है कि जैसे, बात आती है कि जैसे यहां लिखेंगे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, बीच में आप कॉमा भी लगाएंगे, ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। इसे आप समझ गए बहुत अच्छी तरह से ठीक। चलिए अब बात आती है कि भैया मेरे, हमने लिखा है आपसे कि अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं ठीक। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे अगर एग्जाम में आ गया कि अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त मीन्स, एक और स्वयं के अतिरिक्त का मतलब हमारा क्या है, हमने कहा आपसे कि जैसे आप यहां लिखेंगे 2, 3, 5, 5, 7 ये 2, 3, यहां 5 लिखना है, 5 लिखिए, इतना आप लिख दिए। हमने कहा आपसे कि एक और स्वयं के अतिरिक्त जो है किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वही हमारी प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं होंगी ठीक। ये आप समझ गए। चलिए अब बात आती है क्या ये सिर्फ
एक एक और स्वयं से विभाजित हो रही है, तो क्या आप बताएंगे दो हमारे किसी संख्या से विभाजित होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ एक और अपने स्वयं के सिवाय किसी संख्या से नहीं कटेगी। अच्छा, तीन की भी वही कंडीशन है, पांच की भी वही कंडीशन है। आप बताएं, अगर हम नौ को लेते हैं, यहां आप नौ लिखेंगे, नौ को लेते हैं, तो क्या ये जो नौ हमारी संख्या है, क्या हमारे एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है? तो आप बताएंगे कि बिल्कुल हो रही है, ये तीन से भी विभाजित हो रही है और नौ से भी हो रही है, उसके बाद एक से हो रही है। यहाँ तीन संख्या है कि नहीं है? हमने इसमें कहा कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो भैया मेरे इसमें नौ नहीं आएगा। ठीक, इसे आप समझ गए। अब बात आती है कि भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं। ठीक, भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं। ठीक, किसी अन्य संख्या, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, क्या नौ इस कंपोजिट नंबर के तहत आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। ठीक, नौ हमारा कंपोजिट नंबर के तहत आएगा, ये सत्य है एकदम। हमने कहा आपसे कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होना है, तो वही हमारा भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर होगा। तो हम बात करें कैसे, तो आप कहेंगे, यहां लिखेंगे कि चार, छ, आठ, नौ। ठीक, ये नौ हमारा, हमने यही तो कहा कि एक और स्वयं के अतिरिक्त बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो भाज्य संख्या के तहत आएंगी। तो अब आप इसे समझ गए। अब देखिए, हम आपको बताएंगे, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेके आपको आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं सीधे अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपके सामने ये रहा हमारा क्वेश्चंस। आप बताएंगे, हमने आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो भैया मेरे, आप बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है हम आपसे पूछ रहे हैं, प्लीज आप लोग इसका जवाब जरूर दें। ठीक, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसका जवाब आप देने की कोशिश करें। जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब लोग बताएं। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, हमने कहा आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताया था कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन आप कंडीशन हमने उसमें बताया था कि आपको एक नहीं लेना है, सॉरी जीरो नहीं लेना है। अगर आप जीरो लेते हैं तो वो आपका होल नंबर के तहत पहुंच जाएगा, इसलिए आपको जीरो नहीं लेना है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक, इसे आप समझ गए। चलिए, आप बात आती है कि एक क्या है, तो आप एक क्या है इसे बताएंगे। आप सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इस तरह नहीं बताएंगे, आपको बताना भैया मेरे कैसे है कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक, तो आप बताएंगे कि एक है, क्या भाज्य संख्या है? क्या भाज्य संख्या है? क्या अभाज्य संख्या है? ना तो भाज्य और ना अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे, देखिए, अगर हमने कहा आपसे, हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बताने की कोशिश जरूर करें। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, यदि अगर कहीं भी आपको समस्या दिख रही है तो हम बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। एक है तो आप कहेंगे एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक, एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। देखिए, अब हम भाज्य और अभाज्य पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको भाज्य और अभाज्य समझाया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक की पूर्ववर्ती संख्या। हमने कहा आपसे अभी कहा कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या पर बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, आप बताएंगे एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। आप कहेंगे, देखिए एग्जाम में इसी तरह से आपको मूर्ख बनाया जाता है।
ठीक आपसे कहेगा कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप इसी में कंफ्यूज होंगे, आप तुरंत जाके इसी जीरो पर क्लिक करेंगे, यही आपका जीरो आंसर सही होगा। लेकिन आप कदापि ऐसा नहीं करेंगे, हमने यहां क्षमा चाहते हैं गलत लिखा है, यहां आप लिखेंगे नन ऑफ दीज यहां लिखेंगे, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, एक ऑप्शन बदल कर आप कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जीरो के पहले कोई संख्या आती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए आप डी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, नन ऑफ दीज मींस इनमें से कोई नहीं। आप इतना जरूर जानेंगे कि एक की कोई भी प्राकृतिक संख्या एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुवर्ती संख्या की। देखिए फिर यह आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक, एक की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? एक की अनुवर्ती संख्या एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, आप बताने की कोशिश जरूर करें जितने भी लोग यहां बैठे हैं। ठीक, चलिए एक की अनुवर्ती संख्या हमारी कौन सी होगी? तो आप लोग बता रहे हैं सर दो होगी, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, यही हमारी दो अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो प्लीज हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और एक कमेंट आप करें। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।